अंकिता, अगर आप इस अर्जुना अवार्ड को किसी को डेडिकेट करना चाहोगी तो वो आप किसको करना चाहोगी? मैं ये अवार्ड मेरी मदर को डेडिकेट करना चाहूँगी बिकॉज शी इज़ बीन माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं, और जब मैंने टेनिस खेलना शुरू किया था बैक देन, मतलब लड़की को अकेले ट्रैवल करने के लिए भेजना आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है. तो मेरी मॉम ने वो करेज दिखाई और उनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ. मैम, आपने अंकिता का मतलब शी कॉल्स यू द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, अगर आप बोलेंगे कि आप इसकी जर्नी में इसके मतलब पिलर स्ट्रेंथ, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अंकिता को, स्पेशली जब देखते हुए कि आज उनको मतलब अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है? बस मैं इसे हमेशा उसको बोलती रही हूँ कि आप बस हार्ड वर्क करते जाओ और कुछ देखो नहीं आगे. जितना आप आगे चल रहे हो हर दिन बहुत हार्ड वर्क करो, और फिर खुद से सोचो कि कल से आज अंकिता में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, दिन में थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है. बस डू योर हार्ड वर्क एंड इट शुड बी मीन्स इट शुड इम्प्रूव डे बाय डे. एंड मैम, अगर आप दूसरे पेरेंट्स को जो स्पेशली जैसे अपने किड्स को स्पोर्ट्स के लिए जो है एंकरेज करें, आप उनको क्या मैसेज देंगी? ये मैसेज दूंगी कि आप बच्चे को सपोर्ट करो पहले, उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको वो करने दो और उसके साथ रहो. दैट इज एंड इफ आई हैव टू ऐड समथिंग, मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स के सपोर्ट विदाउट इट, पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल. एंड यू नो वट एवर वो कोई भी फील्ड चूज करे तो यू नो द पेरेंट्स शुड बी हैव एन ओपन माइंड एंड यू नो लेट देम ट्राई एंड चूज देयर पाथ. थैंक यू.